नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से। वही लघु सचिवालय जिसके चारों तरफ किसानों ने अपना डेरा जमा लिया है। ये वही लघु सचिवालय है जहां पर सैकड़ों की संख्या में रोज़ाना गाड़ियां खड़ी होती थी, चाहे डीसी की गाड़ी हो, एसपी साहब की गाड़ी हो, डीएसपी साहब की गाड़ी हो, तमाम जो अधिकारी हैं इनकी गाड़ियां यहां पर लगाई जाती थी। लेकिन अब यहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियां खड़ी होने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि बाहर किसान बैठे हैं और ये पूरे का पूरा स्पेस खाली है और इस समय यहाँ पर एक भी सरकारी गाड़ी मौजूद नहीं है। अब लोगों का सवाल होगा कि क्या डीसी और एसपी सहित तमाम जो अधिकारी हैं क्या वो दफ्तरों में नहीं आ रहे, तो इसका जवाब है कि हाँ, सभी दफ्तर खुले हुए हैं और सभी अधिकारी अपने अपने दफ्तरों में आ रहे हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं कि आखिर जो मेन गेट है लघु सचिवालय का, उसका घेराव होने के बाद जो तमाम अधिकारी हैं, अगर उनकी गाड़ियां यहां पर नहीं लग पा रही तो आखिर वो गाड़ियां लग कहां पर रही हैं। मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा, वो दरवाज़ा दिखाऊंगा। यहां पर सवाल ये है कि क्या जिला प्रशासन करनाल के वो दावे जिसमें उन्होंने कहा था कि लघु सचिवालय का घेराव नहीं होने दिया जाएगा, वो बात कितनी सही साबित हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर जो गाड़ियाँ लगती थी डीसी और एसपी की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी जो वाहन है वो मौजूद नहीं है, सरकारी गाड़ी कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जहाँ से तमाम गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं, सरकारी गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं, और वो सरकारी गाड़ियाँ आ रही हैं पिछले दरवाजे से, यानी कहीं ना कहीं जो सरकारी वाहन हैं डीसी की, एसपी की, एसडीएम की, एडीसी की, तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो पिछले दरवाजे से लेकर आई जा रही हैं। और यहाँ पर अब वो गाड़ियाँ जहाँ पर पार्किंग की जगह बनाई गई है आम लोगों के लिए, उसी पार्किंग में ये वाहन खड़े हुए हैं। सबसे पहली जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं ये आईजी करनाल पुलिस रेंज की गाड़ी है, वो यहाँ पर खड़ी हुई है। इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि एसपी कैथल, जिनके यानी कि अधिकार क्षेत्र में पूरे का पूरा लघु सचिवालय ही है, उनकी गाड़ी है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं एसपी करनाल की गाड़ी है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पुलिस के जो वाहन हैं वो खड़े हुए हैं। ये वाहन एसडीएम करनाल का है, और सामने जो गाड़ियां आप देख रहे हैं वो गाड़ी है एडीसी करनाल और डीसी करनाल की, यानी कि जो रास्ते हैं उनको बदलकर अब पिछले दरवाजे से जो गाड़ियां हैं वो लेकर आई जा रही हैं। यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं अपने वाहन खड़े कर रहे हैं, क्योंकि लघु सचिवालय के बिल्कुल सामने जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं, इसलिए अब जो गाड़ियां हैं वो पिछले दरवाजे से लेकर आई जा रही हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। एक गाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट गाड़ी है, वो गाड़ी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनकी गाड़ी है, वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। खड़ी तो यानी कि ऐसी जगह पर है जो पार्किंग की एक्चुअल में नहीं है, लेकिन सरकारी गाड़ी है, इसको कौन पूछेगा और इसको कौन रोकेगा। तो ये भी गाड़ी नो पार्किंग जोन में इस समय खड़ी है, पार्किंग के जो वाहन हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और बिना पार्किंग के कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करनाल की जो गाड़ी है वो ई दिशा के बिल्कुल सामने खड़ी है, यानी कि दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत, अपनी गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी है और दूसरे लोगों के चालान काटे जाते हैं अगर वो लोग नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दें। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर इस समय करनाल के लघु सचिवालय से आप देख रहे हैं, जहाँ पर सरकारी वाहन अब पिछले दरवाजे से लेकर आ रहे हैं, और जो आगे का दरवाज़ा है वो किसानों की वजह से पूरे का पूरा बंद है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि किसान कितने दिन तक यहाँ पर घेराव कर रखेंगे, क्योंकि उनकी मांगों को माना नहीं जा रहा। सवाल ये है कि आखिर कितने दिनों तक तमाम जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ियाँ पिछले दरवाजे से लाई जाएंगी, क्योंकि अपने आप में ये एक किस्म से किसानों की प्राथमिक तौर पर जीत जैसा है कि सरकारी वाहन तक, यानी कि जो ज़िले के मुखिया हैं, जिले के डीसी हैं, जिले के पुलिस कप्तान हैं, करनाल पुलिस रेंज की जो आईजी हैं, उनकी गाड़ियां भी अगर पिछले दरवाजे से आ रही हैं तो जाहिर तौर पर जो टकराव की स्थिति है उससे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन बच रहा है। लेकिन किसान इसे भी अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं कि अब सरकारी वाहन भी वो अंदर आने नहीं दे रहे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। तस्वीरें करनाल के लघु सचिवालय की हैं, किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव किया हुआ है और अफसर और अधिकारी पिछले दरवाजे, ये देखिए एक और सरकारी गाड़ी आ गई है, पिछले दरवाजे से जो गाड़ियां हैं वो अंदर आ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि जिला प्रशासन, ये देखिए ये दो गाड़ियां और आ गई हैं, यानी कि इससे कहीं ना कहीं साफ है कि अधिकारी भी इस समय, अधिकारियों के जो माथा है वहाँ पर भी पसीने छूटे हुए हैं, चिंता की लकीरें हैं कि हमें गाड़ियाँ
लघु सचिवालय के बैक साइड से ही लेकर आ रही है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं एमएन 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के लघु सचिवालय से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।